नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 24 सितंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में अमीन के 40 पदों पर निकाली गई रिक्तियां। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड BCECEB ने एक ऑनलाइन नोटिफिकेशन जारी करके अमीन के पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत बिहार बोर्ड ने 40 पदों पर नियुक्तियों के लिए आवेदन की मांग की है। उम्मीदवारों को बिहार सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत भर्ती किया जाएगा। अमीन के पदों पर आवेदन करने के लिए 30 सितंबर से शुरुआत होने वाली है। 31 अक्टूबर 2020 तक यह चलने वाला है। ऐसे में जो भी अमीन के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वो 31 अक्टूबर तक BCECEBoard.bihar.gov.in के आधिकारिक पोर्टल पर विजिट करके आवेदन कर सकते हैं। पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने आगे की रणनीति पर साधी चुप्पी। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर सबको अचंभित कर दिया है। हालांकि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, मगर अब तक डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सभी मुद्दों पर चुपचाप नजर आ रहे हैं। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने चुनावी मैदान में उतरने के सवाल को टालते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर अपने लोगों से बात करने के बाद वो अपनी कोई प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे। आपको बता दें, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने मंगलवार को सेवानिवृत्ति की अवधि से 5 महीने पहले ही दे दिया था, जिसके से उनकी राजनीति में आने के कयास लगाए जा रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने मीडिया में आई खबरों का भी खंडन किया है। बेरोजगारों के लिए बिहार सरकार ने बनाया अपना रोजगार पोर्टल। बिहार में बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। लगातार विपक्षी दल बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते भी नजर आए। हालांकि इस बार चुनाव में भी बेरोजगारी एक चुनावी मुद्दा बनता नजर आ रहा है। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने बेरोजगारों के लिए नया रोजगार पोर्टल जारी कर दिया है, जो सिर्फ बिहार की जनता के लिए समर्पित होगा। मिली जानकारी के अनुसार यह पोर्टल श्रम संसाधन विभाग की तरफ से तैयार करवाए गए हैं। इस पर अपने राज्य, देश और विदेशों से जुड़ी जॉब की डिटेल उपलब्ध करवाई जाएगी। इतना ही नहीं, इस पोर्टल को बड़ी कंपनियों से जोड़ने का भी काम किया जा रहा है, जिससे अब केंद्रीय पोर्टल पर निर्भरता बिहारवासियों की खत्म हो जाएगी। BPSSC SI मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड हुआ जारी। BPSSC SI मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। दिए गए निर्देश के अनुसार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन ने बुधवार को सब इंस्पेक्टर, सर्जेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, जेल इत्यादि पदों के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी है वो आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bis.nic.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें, मुख्य परीक्षा 11 अक्टूबर 2020 को आयोजित करवाई जाएगी। सभी छात्रों को परीक्षा फॉर्म में अपने एडमिट कार्ड की एक हार्ड कॉपी लानी होगी। बिहार में 27 सितंबर तक भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की जताई गई संभावना। बिहार में एक बार फिर से मौसम में तेज करवट ले ली है। मॉनसून के रंग एक बार फिर से दिखाई देने लगे हैं, जिसको की देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी लोगों से सतर्क रहने की नसीहत दी है। साथ ही सभी DM को भी सतर्कता जारी कर दिया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 27 सितंबर तक बिहार में भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 सितंबर के बाद उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने इसके साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जता दी है। साथ ही सभी आम नागरिकों से मौसम खराब होने के दौरान घरों में रहने की नसीहत भी दी है। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,73,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर 1,598 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। प्रभावितों की संख्या जिसके बाद 1,73,063 पर पहुंच गई है। वहीं कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 58, अरवल में 44, औरंगाबाद में 32, बांका में 39, बेगूसराय में 17, भागलपुर में 43, भोजपुर में 11, बक्सर में 16, दरभंगा में 28, पूर्वी चंपारण में 37, गया में 36, गोपालगंज में 66, जमुई में 25, जहानाबाद में 23, कैमूर में 22, कटिहार में 15, खगड़िया में 6, किशनगंज में 46, लखीसराय में 59, मधेपुरा में 62, मधुबनी में 37, मुंगेर में 31, मुजफ्फरपुर में 89, नालंदा में 60, नवादा में 29, पटना में 219, पूर्णिया में 72, रोहतास में 33, सहरसा में 57, समस्तीपुर में 18, सारण में 40, शेखपुरा में 24, शिवहर में 10, सीतामढ़ी में 16, सिवान में 12, सुपौल में 71, वैशाली में 41, पश्चिम चंपारण में 55। स्वास्थ्य की तरफ से बीते शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 1,58,546 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 874 लोगों की जान जा चुकी है। मुजफ्फरपुर गया में नई डीजल गाड़ियों के निबंधन पर लगी रोक। मुजफ्फरपुर गया में नई डीजल गाड़ियों के निबंधन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। दोनों शहरों के लिए लागू किए गए स्वच्छ हवा कार्य योजना के तहत यह फैसला लिया गया है। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि वायु प्रदूषण से कोविड-19 के संक्रमण को बढ़ता देखकर उक्त फैसला लिया गया है। अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया है कि वायु में PM2.5 के 1% की वृद्धि होने पर कोविड-19 की परेशानी कई प्रतिशत बढ़ जाती है, क्योंकि इसके कारण फेफड़े प्रभावित होते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है।
बिहार चुनाव को लेकर प्रवासियों के लिए चुनाव आयोग ने दी पंजीकरण की विशेष सुविधा। प्रवासियों को लेकर चुनाव आयोग ने पंजीकरण की सुविधा मुहैया करवाई है। मिली जानकारी के अनुसार कोविड 19 के इस माहौल के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव का आयोजन करवाया जाना है, इसको लेकर राजनीतिक दल और चुनाव आयोग पूरी तरीके से जुड़ चुकी है। इस माहौल में मतदान प्रतिशत को सही रखना भी चुनाव आयोग के लिए एक चुनौती बन गया है। लॉकडाउन लागू होने के बाद बाहरी राज्यों में अपने घर वापस लौटे प्रवासियों को भी मतदान करने का मौका मिलने वाला है। उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए 18 साल से अधिक उम्र के प्रवासियों के लिए पंजीकरण की विशेष सुविधा दी गई है, जिसके तहत www.nvsp.in पर फॉर्म की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जिसके तहत फॉर्म नंबर 6 में विधानसभा क्षेत्र बदलने या नए मतदाता के रूप में पंजीकरण करने की सुविधा ले सकते हैं। फॉर्म 8 में मतदाता सूची में दर्ज विवरणों में सुधार के लिए सुविधा ले सकते हैं। फॉर्म 8 क में विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बूथ बदलवाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और फॉर्म 7 के तहत मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे दलेर मेहंदी की। दलेर मेहंदी भारत में बॉलीवुड में जाना माना नाम है, जिनका जन्म बिहार की राजधानी पटना में 18 अगस्त 1967 को हुआ था। पेशे से एक गायक, संगीत निर्माता, गीत लेखक भी हैं। उन्होंने फोक, रॉक एंड पॉप, भांगड़ा संगीत गाया है। उनका असली नाम दलेर सिंह है, लेकिन संगीत की दुनिया में इनको दलेर मेहंदी के नाम से जाना जाता है। दलेर मेहंदी एक भारतीय गायक, संगीत लेखक और म्यूजिक निर्माता है, और इन्होंने मेहंदी का नाता एक ऐसे परिवार से है जिसमें हमेशा से गायकों की भरमार रही है। दलेर मेहंदी ने अपनी बुलंद आवाज के सारे संगीत को दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया है। इसके साथ ही बॉलीवुड संगीत का पूरा श्रेय इन्हें ही जाता है। आपको बता दें, दलेर मेहंदी का पहला गाना जिसमें खूब सुर्खियां बटोरी थी वो है बोलो तारा रारा। इसके साथ ही उन्होंने अपना पहला एल्बम नाना ना रे गाया था, जिसमें भी खूब ध्यान आकर्षित किया था। आलम यह है कि आज भी पार्टियों में यह गाने खूब बजाए जाते हैं। एक दो दिन में एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन की टीम आएगी बिहार। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार दूसरी बार इलेक्शन कमीशन की टीम बिहार पहुंचने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा ने कहा है कि बिहार में दोबारा टीम भेजने पर अगले एक दो दिन में निर्णय बना लिया जाएगा और चुनाव आयोग की टीम एक बार फिर से बिहार में चुनाव कराने को लेकर समीक्षा करेगी। चुनाव समय पर हो और साथ ही इसको बढ़ाया जाए, इन तमाम चीजों की समीक्षा फिर से की जाएगी। ऐसे हालात में बिहार के राजनीतिक दलों को मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। वहीं राजनीतिक जानकार भी अंतिम समय में चुनाव आयोग की टीम का आना गंभीर बता रहे हैं। राजस्थान, बिहार और हरियाणा में 12वीं पास को मिला नौकरी का मौका। भारतीय वायुसेना राजस्थान, बिहार और हरियाणा में भर्ती का आयोजन करवाने वाली है। यह भर्तियां एयरमैन ग्रुप्स एक्स टेक्निकल ट्रेड यानी कि एजुकेशन इंस्ट्रक्टर को छोड़कर अन्य पदों पर करवाई जाएगी। भर्ती रैली के लिए पहले airmenselection.cdac.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जो 27 सितंबर 2020 से शुरू होने वाला है। नोटिफिकेशन के मुताबिक भारतीय वायुसेना 9 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच भारतीय रैली आयोजन करेगी। उम्मीदवारों को जन्म 17 जनवरी 2000 से लेकर 30 सितंबर 2003 के बीच होना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश के साथ 12वीं पास और 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स होना जरूरी है। किसान चाची के पति अवधेश चौधरी ने दुनिया को कहा अलविदा। किसान चाची के नाम से मशहूर राजकुमारी देवी के पति ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। मिली जानकारी के अनुसार अवधेश चौधरी को मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, हालांकि उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। मुजफ्फरपुर जिले के आनंदपुर गाँव में 65 वर्षीय किसान चाची की गिनती देश की उन महिला कृषकों में कही जाती है, जिसने अपनी लगन से न सिर्फ अपने बल्कि अपने जैसी हजारों महिलाओं का जीवन बदल दिया। 12 सितंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने भी उनसे मुलाकात की थी। हालांकि उनके पति अवधेश चौधरी के गुजर जाने के पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से की कार्यकर्ताओं से मुलाकात। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अब पूरे तरीके से सक्रिय नजर आ रहे हैं, और यही कारण है कि लगातार दूसरे दिन उन्होंने बीते दिन पार्टी दफ्तर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। मेरी जानकारी के अनुसार कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डायरेक्ट मुलाकात करने वाले हैं। कोविड 19 के माहौल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं से सीधे मुलाकात नहीं की थी, लेकिन अब वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके चुनावी टिप्स दे रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन जदयू कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। हालांकि मंगलवार को भी उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों की जानकारी ली थी। कोविड 19 के बीच बिहार में लोकल ट्रेनों का परिचालन जल्द शुरू होने का भेजा गया प्रस्ताव। कोविड 19 के माहौल के बीच मुंबई से लोकल ट्रेन का परिचालन शुरू करवा दिया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार में भी जल्द ही लोकल ट्रेन के परिचालन पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसको लेकर रेल मंत्रालय को अपना प्रस्ताव जारी कर दिया गया है। रेल मंत्रालय अगर इसकी अनुमति दे देता है तो जल्द ही लोकल ट्रेनों के परिचालन शुरू हो सकते हैं। हालांकि अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, ट्रेनों का परिचालन तभी शुरू हो पाएगा जब राज्य सरकार की अनुमति दे दे। कोरोना के माहौल में लोकल ट्रेनों को चलाने में बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
1988 बैच के आईपीएस एसके सिंघल ने बिहार डीजीपी का संभाला प्रभार। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी एसके सिंघल ने डीजीपी पद का पदभार बीते दिन से ग्रहण कर लिया है। वर्तमान में डीजीपी सिविल डिफेंस के हैं। डीजी के साथ ही वो एसके सिंघल ने बिहार डीजीपी का भी अतिरिक्त प्रभार ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें, पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने 5 महीने पहले वीआरएस ले लिया है। बिहार सरकार ने अधिसूचना जारी करके देर रात इसकी जानकारी दे दी थी। एसके सिंघल ने बुधवार को पुलिस मुख्यालय पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पासपोर्ट का आवेदन जल्द होगा शुरू। अब पासपोर्ट के आवेदन के लिए पुलिस की जांच से कोई परेशानी नहीं होगी। दरोगा की एक क्लिक में आपका सत्यापन हो जाएगा। इसके साथ ही रिपोर्ट पासपोर्ट अफसर के पास पहुंच जाएगी। बुधवार को बिहार पुलिस ने एम पासपोर्ट पुलिस ऐप को लॉन्च किया है, जिसके तहत वेरिफिकेशन की पुलिस व्यवस्था के डिजिटल कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अब पासपोर्ट में पुलिस का वेरिफिकेशन मिनट नहीं सेकंड में पूरा हो जाएगा। हालांकि पासपोर्ट आवेदकों को पुलिस वेरिफिकेशन में काफी देरी हो जाती है। बिहार में कई सिविल सर्जन का हुआ तबादला। बिहार चुनाव से ठीक पहले अफसरों के तबादले का सिलसिला लगातार जारी है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के कई डॉक्टर का तबादला कर दिया गया है। कई जिलों के नए सिविल सर्जन की नियुक्ति भी कर दी गई है। डॉक्टर विभा कुमारी सिंह को पटना का नया सिविल सर्जन बनाया गया है। जारी की गई अधिसूचना के अनुसार कई जिलों में नए सिविल सर्जन की नियुक्ति की गई है। पटना के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विभा कुमारी सिंह को पटना का नया सिविल सर्जन बनाया गया है। वहीं पटना के सिविल सर्जन डॉक्टर राजकिशोर चौधरी का तबादला करते हुए उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का क्षेत्रीय अपर निदेशक बना दिया गया है। कमल किशोर राय को गया का, सरोज कुमार सिंह को पूर्वी चंपारण का, डॉक्टर रूप नारायण कुमार को अररिया का, सत्येंद्र कुमार गुप्ता को समस्तीपुर का नया सिविल सर्जन बना दिया गया है। सोशल मीडिया पर छाए बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। बिहार पुलिस के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले ली है। उसके बावजूद सोशल मीडिया पर वो बीते दिन बने हुए थे। मिली जानकारी के अनुसार गुप्तेश्वर पांडे के रिटायरमेंट के बाद बिग बॉस के कंटेस्टेंट रह चुके दीपक ठाकुर ने खास गाना बनाया है। दीपक ठाकुर ने इस गाने का टाइटल रॉबिन हुड बिहार के रखा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रही है। जिसने भी इस वीडियो को देखा है वो थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर है, लेकिन दीपक ठाकुर ने गुप्तेश्वर पांडे पर बने इस गाने में उनकी जमकर तारीफ की है। दीपक ठाकुर के गाने को लेकर फैंस ने भी जमकर कमेंट किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में ईवीएम ले जाने वाले वाहनों में लगा होगा जीपीएस। बिहार विधानसभा चुनाव के आयोजन की तारीख की घोषणा कभी भी करवाई जा सकती है। वहीं चुनाव के सफलतापूर्वक आयोजन को लेकर चुनाव आयोग लगातार सतर्कता के साथ काम कर रही है। इसी क्रम में अब बिहार पुलिस चुनाव को ध्यान में रखते हुए ईवीएम ले जाने वाले वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाने का फैसला सुनाया गया है। इसके साथ ही ईवीएम लेकर जाने वाले पदाधिकारियों और पुलिस बल को भी रास्ते में नहीं रुकने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही काउंटिंग हॉल में भी सीसीटीवी का स्क्रीन लगाया जाएगा, ताकि चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी अनदेखी ना की जा सके। मांझी के बाद उपेंद्र कुशवाहा भी महागठबंधन से हो सकते हैं बाहर। महागठबंधन की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। तेजस्वी यादव के रवैये को देखकर लगातार दलों के बाहर जाने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में राजनीतिक गलियों से आई खबर के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा भी महागठबंधन से बाहर हो सकते हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच अब जोड़ तोड़ वाली राजनीति शुरू हो चुकी है। सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में तकरार शुरुआत से ही देखने को मिल रही थी। सभी घटक दल ज्यादा से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे थे। वहीं तेजस्वी यादव को रास नहीं आ रही थी, और यही कारण है कि रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी महागठबंधन से छिटकने की तैयारी कर सकते हैं। अंबेडकर के पौत्र ने किया बड़ा ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार की सियासत में तीसरा विकल्प की चर्चा हो रही है। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के पौत्र और पूर्व सांसद प्रकाश अंबेडकर बीते दिन पटना पहुंच चुके हैं। वहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी पार्टी वंचित बहुजन मोर्चा भी बिहार में चुनावी मैदान में उतरने वाली है। इतना ही नहीं, इस मौके पर उन्होंने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि बिहार के साथ साथ पूरे देश में परेशानी का माहौल है। भाजपा और आरएसएस वातावरण को तनावपूर्ण बनाए वह वंचित बहुजन मोर्चा बिहार विधानसभा चुनाव में अन्य दलों के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरेगी। यह संभव है कि उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनावी मैदान में उतर सकती है। कोविड 19 से प्रभावित रेल राज्य मंत्री ने दुनिया को कहा अलविदा। कोविड 19 की जद में अब तक कई नेता विधायक आ चुके हैं। इसी क्रम में कोविड 19 से प्रभावित हुए केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। मिली जानकारी के अनुसार सुरेश अंगड़ी का इलाज के लिए दिल्ली एम्स में उन्हें भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने आखिरी सांस ली। इसके साथ ही इस खबर के बाद उनके परिवार के साथ साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में भारी शोक है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत अन्य नेताओं ने भी दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका जाना दुखद है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी के और समय गुजरने पर शोक संवेदना व्यक्त की है।
व्हाट्सएप पर आसानी से सेट कर सकते हैं ऑटो रिप्लाई मैसेज। व्हाट्सएप आज के समय में हर किसी के फोन में है। हालांकि व्हाट्सएप अपने यूजर को खुश करने के लिए नए नए फीचर को भी हमेशा लाता रहता है। वहीं आज हम आपको व्हाट्सएप के ऑटो रिप्लाई फीचर से जुड़ने के बारे में बताएंगे। इसके लिए भी आपको थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ऑटो रेस्पॉन्डर ऐप को डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आपको ओपन कर प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना होगा जो बाईं ओर नीचे की तरफ दिया हुआ होगा। इसके बाद आपको एक मैसेज लिखना होगा जो आप किसी मैसेज का रिप्लाई के रूप में भेजना चाहते हैं। मैसेज टाइप के बाद आपको रिप्लाई मैसेज का विकल्प मिलेगा। इसके नाम से ही साफ है कि इस पिक्चर का क्या काम है, यानी आपको मैसेज सेव करना होगा जिससे वो ऑटोमेटिक रिप्लाई हो सके। मुंबई में बिना सरनेम के बावजूद गुजारा करने की कहानी बताई रवि किशन ने। भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन ने बॉलीवुड पर लोकसभा में सवाल उठाया था कि अब रवि किशन ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए मुंबई में बताया है कि अपने संघर्षों के दिनों के बारे में उन्होंने जिक्र किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जब उन्होंने मुंबई जाने का फैसला लिया था तब उन्होंने सभी उत्तर प्रदेश के लोगों को मुंबई में भैया कहकर बुलाया जाता था। भैया मुंबई में दूध वाले, ठेले वाले और अन्य छोटे मोटे काम के लिए पहचाने जाते थे। माया नगरी में भैया को बहुत ही तुच्छ नजर से देखा जाता था। रवि किशन ने सरनेम शुक्ला हटाने के बारे में कहा कि शुक्ला तो हटाना पड़ेगा, वहां के डायरेक्टर ने मुझे कहा था, मेरे पास न पैसे थे और अपने पिता का नाम हटाना, इससे दुखद क्या होगा, रोजी रोटी के लिए ऐसा भी करना पड़ा। मुंबई इंडियंस ने हासिल की पहली जीत। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में हार से अपने पारियों की शुरुआत करने वाली मुंबई इंडियंस ने दूसरे मुकाबले में शानदार वापसी की है। आबूधाबी में खेले गए पांचवें मैच में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 49 रनों से हरा दिया है। 196 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स अपने नाम के मुताबिक काम नहीं कर सकी। रसेल और मॉर्गन जैसे खिलाड़ी को मुंबई इंडियंस के गेंदबाज ने हिलने तक नहीं दिया। वहीं मुंबई इंडियंस के 195 रनों के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम महज 146 रन ही बना सकी। केकेआर के लिए पैट कमिंस ने 33 रन बनाए, दिनेश कार्तिक ने 30 रनों की पारी खेली। वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की बात करें तो रोहित शर्मा ने शानदार पारी खेलते हुए 54 गेंदों में 80 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 6 छक्के लगाए। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सोनू आलम, पूजा कुमारी, अजय कुमार, शिवानी कुमारी, ओमकार सिंह, विशाल सोनी, अनुज कुमार, अनुज तिवारी, बंटी चौरसिया, संजीव कुमार, अशोक सिंह, जितेंद्र कुमार, सुनील कुमार, मंजीत कुमार, मुकेश कुमार, चंदन कुमार, मंजय कुमार, प्रतिमा कुमारी, अशरफ हुसैन, कमलेश्वर भगत, शंभू कुमार, विपिन कुमार, देवेंद्र कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को चुनावी मैदान में उतरना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।